वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए आईटीआर कंपटीशन कैसे तैयार करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी प्रकार के आईटीआर कंपटीशन एक्सेल फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि प्रोफेशनल आईटीआर कंपटीशन फॉर्मेट है, ठीक है। इनसे आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी क्लाइंट की आईटीआर कंपटीशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी प्रकार ही आईटीआर कंपटीशन तैयार करनी है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए स्पेशल फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको तैयार करनी है। और मैं आपको बता दूं, आईटीआर कंपटीशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं। सभी में जो डाटा फीड होता है, यानी कि हम जो टाइप करते हैं, ठीक है, वो आईटीआर फाइलिंग से करते हैं, तो सभी में सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन उनका जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। तो आपको क्लाइंट को बताना है, जो मैं आपकी आईटीआर कंपटीशन तैयार करूंगा वो प्रोफेशनल एक्सेल फॉर्मेट है, और रियल में ही प्रोफेशनल एक्सेल आईटीआर कंपटीशन फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको डालना है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी का नाम, तो मैं यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो आपको डालना है, मैं इसमें डाल देता हूँ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी फर्म कब बनाई गई थी, ठीक है, उसकी एक डेट होती है। सब आपको आईटीआर फॉर्म में मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से आपको कौन सी चीजें लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर पैन नंबर। अब स्टेटस, यदि आप पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर कंपटीशन तैयार कर रहे हैं तो यहां पर फर्म आ जाएगा, या पार्टनरशिप फर्म भी लिख सकते हैं पूरा, या आप कर रहे हैं एलएलपी तो एलएलपी यहां पर लिख देना है, ठीक है। इनमें से एक आएगा, पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म आएगा, एलएलपी कर रहे हैं तो एलएलपी यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि 22-23। और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर, तो 22-23 असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, ठीक है। आईटीआर जो होती है उस पर हमारा क्या लिखा होता है, असेसमेंट ईयर, तो आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आईटीआर पर जो लिखा होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। अब आ जाते हैं नीचे, अब यहां पर हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और यहां पर है हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और यहां पर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आपका प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि आपका लॉस, यहां पर आपको क्या डालना है, लॉस, ठीक है, तो नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है तो यहां पर प्रॉफिट लिख देंगे। यहां पर हम डाल देते हैं प्रॉफिट, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 11,08,538 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद एड अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस अलाउड अंडर सेक्शन। देखिए, कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे इनकम टैक्स में डिस अलाउड हो जाते हैं। अब ईपीएफ और ईएसआईसी, यदि हम टाइम से जमा नहीं कराते हैं तो वो हमारे डिस अलाउड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत हमारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि डिस अलाउड होते हैं, तो डिस अलाउड हमारे यहाँ पर हमें डाल देना है। अब जैसे मान लीजिए हमारे खर्चे हैं 58,024 रुपए के, ठीक है। अब देखिए, जो डिस अलाउड होंगे वो हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड होंगे, या हमारा लॉस जो होगा, ठीक है, इसमें हमारा ऐड होगा, ठीक है। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस अलाउड अंडर सेक्शन 37। फिर उसके बाद लेस इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेपरेट कंसिडरेशन, तो जो हम सेपरेट कंसिडरेशन करते हैं उसको हम लेस कर, आपको समझना बहुत जरूरी है सेपरेट कंसिडरेशन किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी इनकम एफडी से है, ठीक है, हमने पार्टनरशिप फर्म में एफडी की हुई है, ठीक है, तो हमारी जो एफडी आती है, इंक्लूड जो होती है, वो कौन से ऐड में होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है, 60,950 रुपये। अब जो हमारी अमाउंट है 60,950 रुपये, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी शो होगी, प्लस हमने ऐड की हुई है अपने प्रॉफिट में,
यानी कि ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है इसमें ऑलरेडी पहले से ही हमने बुक्स में, जब हमने बुक्स मेंटेन इसकी की हुई है तो हमने पहले से ही ऐड की हुई है, यानी कि 60,950 रुपये हमने इसमें ऐड करके तब हमारा ये नेट प्रॉफिट आया है। जब हमने पहले ही इसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया है और अदर सोर्सेज वाले कॉलम में तो आती ही है, ठीक है, तो इसमें भी ऐड हो गई और हमारी अदर सोर्सेज इनकम इसमें भी ऐड होगी, तो एक तरह से हमारी एफडीआर की जो इनकम है इंटरेस्ट की, वो दो तरह से हमारी ऐड होगी, एक तो प्रॉफिट में भी और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले कॉलम में इंटरेस्ट ऑन एफडीआर में, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है कि हम एक ही इनकम को दो बार शो करें, तो इसलिए हम सेपरेट कंसिडरेशन करते हैं, सेपरेट कंसिडरेशन हमारा लेस होता है। तो इसमें जो सेपरेट कंसिडरेशन है वो किसी भी इनकम का हो सकता है जो कि हमने पहले से ही अपने जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है हमने पहले से ही ऐड की हुई है, यानी कि हमने बुक्स में पहले से ही जो इनकम ऐड की हुई है तो उसका हम सेपरेट कंसिडरेशन कर देते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, ऐसी इनकम जो हमारी पहले से ही बुक्स में हमने शो की हुई है और उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आया है का हम सेपरेट कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सेपरेट कंसिडरेशन के बारे में। तो अब हम जो हमारी इंटरेस्ट ऑन एफडीआर से इनकम है इसका हम सेपरेट कंसिडरेशन यहाँ पर कर देते हैं, तो ये यहाँ पर हमारी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले ऐड किया फिर इसको लेस कर दिया, तो ये ऐड बैक हो गई और हमें इसी प्रकार ही आरटीआई कंप्यूटेशन में शो करनी होती है, ठीक है। तो अब हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम होगी 11,66,562 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो मैं आपको सम का फॉर्मूला भी यहाँ पर बता देता हूँ। इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट ऑन, अब इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, ये हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी प्रकार ही हमने यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट ऑन और हम शिफ्ट दबाएंगे और इसे सिलेक्ट करके नीचे तक एंटर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगाएंगे, अब यहाँ पर भी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट ऑन और शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर तक इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कितनी होगी, 11,66,562 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो हमारे लॉसेज होते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो लॉसेज होते हैं वो हमें यहाँ पर डालना होता है। तो हमारी कंडीशन में हमारा लॉस है जो कि प्रीवियस ईयर्स का है उसको हम सेट ऑफ करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लॉसेज को, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद है लेस करते हैं हम डिडक्शंस, ठीक है, तो जो भी डिडक्शन होगी पार्टनरशिप फर्म में उसको लेस कर देनी है, ठीक है। वैसे जो मैन होती है वो 80G की होती है डोनेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर डाल देनी है, वो भी हमारी लेस हो जाएगी यहाँ पर। अब हमारी यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम पर इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट ऑन, ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे ऊपर तक और एंटर कर देंगे। अब हमारी जो इनकम है वो कितनी होगी, 4,77,512 रुपये, कितनी, 4,77,512 रुपये। अब मैं आपको बता दूं जो हमारा आईटीआर फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिक ही राउंडेड ऑफ कर लेता है, ठीक है, तो आपको अमाउंट राउंडेड ऑफ में कर लेनी है। आप कैसे, जैसे यहाँ पर हमने सब का फॉर्मूला लगाया हुआ है, कितना है ये 512 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 2 यहाँ पर और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा राउंडेड ऑफ हो चुका है 4,77,510 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए ये 500 यहाँ पर 17 होता, कितना 517, तो हम क्या करते 3 रुपये ऐड कर देते। मैं बात करता हूँ टैक्स की, तो पार्टनरशिप फर्म पे कितने परसेंट टैक्स होता है, तो पार्टनरशिप फर्म पे हमारा जो टैक्स होता है वो होता है 30, कितना 30, यानी कि 30% फ्लैट टैक्स होता है। LLP
पर भी 30% फ्लैट टैक्स होता है, ठीक है, कितना 30% फ्लैट होता है जितनी भी हमारी इनकम होगी। टैक्स ड्यू पर हम 4,77,510 रुपये का 30% निकालेंगे। तो कैसे, इक्वल टोटल इनकम, इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, 100, एंटर। तो ये कितना हो गया, हमारा टैक्स कितना हो गया, 4,77,510 रुपये की इनकम पर टैक्स कितना हो गया, 1,43,253 रुपये, कितना, 1,43,253 रुपये हमने पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इसमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? तो नहीं, जो हमारे इनकम टैक्स स्लैब रेट होते हैं ये ओनली इंडिविजुअल और HUF के लिए होते हैं, ना कि पार्टनरशिप फर्म, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं होते हैं, इनके जो टैक्स रेट होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट में सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल और HUF की टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म और LLP पर फ्लैट 30% हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। अब बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इस पर अलग होता है? तो नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो सभी पर सेम ही होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो, सभी पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेम रहता है, वो भी कितना, 4%, कितना, 4%। तो यहाँ पर हम 4% निकालेंगे 1,43,253 रुपये का, ठीक है। तो इक्वल हम सिलेक्ट करेंगे टैक्स ड्यू वाले कॉलम को, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, एंटर। तो ये हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी निकल कर आ गया है कितना, 5,730 रुपये, कितना, 5,730 रुपये। अब टोटल टैक्स यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे टैक्स ड्यू तक, और एंटर। तो टोटल टैक्स हमारा कितना हो गया, 1,48,983 रुपये। और आपको ये जो पॉइंटों में यहाँ पर फिगर शो हो रही है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, हमने इसको हाइड कर दिया जो पॉइंटों में फिगर आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। तो देखिए, यदि एक्यूरेट एडवांस टैक्स जमा कराया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, अदरवाइज हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। यदि इंटरेस्ट है तो आपको डाल देना है, अदरवाइज रहने देना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है हमारा 10,500 रुपये, ठीक है, फिर यहाँ पर फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल टैक्स और इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा अब, इक्वल SUM सम, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, 1,59,483 रुपये। अब जो हमारा एडवांस टैक्स होता है, ठीक है, जो हमने पहले से एडवांस टैक्स जमा कराया है उसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 50,000 रुपये एडवांस टैक्स जमा कराया है, कितना, 50,000 रुपये हमने डाल दिया। अब TDS है तो इसमें डाल देना है। अब जैसे मान लीजिए हमारा TDS है इसमें 25,900 रुपये, ठीक है, हमने डाल दिया है। तो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को हटा दिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स पेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है सम का, और यहाँ पर ये हमें दिखाना है माइनस में, ठीक है, क्योंकि हमारा एडवांस टैक्स और TDS ये हमेशा लेस होता है किसमें से, जो हमारा टैक्स बनाए उसमें से। तो इक्वल माइनस का साइन लगाएंगे इसको नेगेटिव दिखाने के लिए, SUM सम ब्रैकेट ऑन, TDS वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, उससे पहले हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट, एंटर। अब हमारा जो टैक्स है वो कितना पे करना है, वो करना है हमें कितना, 83,585 रुपये, कितना, 83,585 रुपये टैक्स पे हमें जमा करना है, ठीक है। अब मान लीजिए एडवांस टैक्स हमने जमा कराया है यहाँ पर कितना, 1,20,000 रुपये, कितना, 55,000 रुपये,
ठीक है, हमने डाल दिया। अब देखिए जो हमारा टोटल टैक्स बना है वो कितना बना है, 1,59,483। तो एडवांस टैक्स और टीडीएस को मिलाकर ये कितना हो गया, 1,75,000 रुपये। यानी कि हमारा जो टैक्स बना है वो कम है और एडवांस टैक्स और टीडीएस को मिलाकर कितना है, 1,75,000 रुपये। यानी कि हमने पहले से ही ऑलरेडी एडवांस में जमा कराया हुआ है। तो ये अब क्या होगा, ये टैक्स पेड की जगह पर ये हो जाएगा हमारा रिफंड। ठीक है, तो रिफंड कितना होगा, 15,515 रुपये का, कितना, 15,515। ठीक है, अब हमने ये आरटीआई कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी कर ली है, टैक्स की भी कैलकुलेशन कर ली है। तो यदि आपको आरटीआई फॉर्म से आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जितनी भी डिटेल है पार्टनरशिप फर्म की या एलएलपी की वो आपको पहले पेज पर मिल जाएगी आरटीआर फॉर्म के। यदि आपके पास आरटीआर फॉर्म है तो आरटीआर फॉर्म के पहले पेज पर जो पर्सनल डिटेल है ये आपको मिल जाएगी। को सिर्फ आरटीआर कंप्यूटेशन क्लाइंट की तैयार करनी है, सिर्फ आरटीआर फॉर्म ही मांगना है क्योंकि उसमें सभी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्लाइंट से कुछ नहीं मांगना क्योंकि इसमें सभी इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है। ठीक है, तो पहले पेज पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब है हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है हमारा, 11,08,538 रुपये। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ठीक है, करने के बाद कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ अब यहाँ पर हम लिखेंगे शेड्यूल, SCHEDUL शेड्यूल BP, क्या लिखेंगे, BP। ठीक है, शेड्यूल BP और इसे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च पर दबाएंगे। ठीक है, तो ये जहां पर भी शेड्यूल BP होगा इसको शो कर देगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे शेड्यूल BP कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो आपको किस पे जाना है, शेड्यूल BP कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और आरटीआर फॉर्म पेज नंबर है 26, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 26 पेज पर ये हमारा शेड्यूल BP होता है। अब इसमें देखिए प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ये है 11,08,538 रुपये, कितना, 11,08,538 रुपये। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं आरटीआई कंपटीशन में, 11,08,538 रुपये। ठीक है, अब बीपी में हमारा थर्ड नंबर का ये वाला, ठीक है, इसमें ये होता है यानी कि जो हम सेपरेट कंसीडरेशन करते हैं, ठीक है, आरटीआर फॉर्म में इस जगह पर करते हैं, इसमें हाउस प्रॉपर्टी का सेपरेट कंसीडरेशन है तो यहाँ पर आता है, कैपिटल गेन का है तो यहाँ पर आएगा, अदर सोर्सेज का है तो यहाँ पर आएगा। तो हमारा सेपरेट कंसीडरेशन इसमें कितना है, 60,950 रुपये, कितना, 60,950 रुपये। तो हमने यहाँ पर इसको लेस कर दिया सेपरेट कंसीडरेशन में। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा, अब उसके बाद आपको आना है पेज नंबर किसमें, 29 में। अब 29 में हमारे जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है वो यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं, एक तो 16,578 रुपये है और 41,446 रुपये है। ठीक है, ये हमारे डिसअलाउड है एक्सपेंसेस। तो टोटल ये कितने हो गए हमारे, एक बार नीचे देख लेते हैं, ये 58,024 रुपये के हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जो कि हमने इसको ऐड कर दिया किसमें, प्रॉफिट में, 58,024 रुपये। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये पहले से ही आपको आरटीआई कंपटीशन तैयार करके दिखा दी है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमारी ये इनकम कितनी होगी, यहाँ पर सम का फॉर्मूला हमने लगाया था 11,05,612 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद तो ये हमारी इनकम कितनी होगी, 11,05,612 रुपये। ठीक है, ये हमें कहाँ पर चेक करना है, शेड्यूल BP में, कहाँ पर, शेड्यूल BP में। जब आपको पार्टनरशिप फर्म या LLP की आरटीआई कंपटीशन तैयार करनी है तो आपको कहाँ पर चेक करना है, शेड्यूल BP में, कहाँ पर, शेड्यूल BP में। ठीक है, तो 11,05,614 रुपये, तो ये हमारा मैच हो गया शेड्यूल BP, ये हमारा मैच हो गया क्या, शेड्यूल BP। ठीक है, अब उसके बाद ये आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये जो हमने सेपरेट कंसीडरेशन किया है इंटरेस्ट का, ये आएगा हमारा कहाँ पर शो होगा आरटीआई फॉर्म में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
अब चलते हैं हम आईटीआर फॉर्म की तरफ और इसमें चेक करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखिए पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 शेड्यूल OS यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये है इंटरेस्ट इनकम ग्रोस, यहाँ पर 60,950 रुपये, इसमें या आपका इंटरेस्ट होगा सेविंग से या डिपॉजिट या इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से 60,950 रुपये, तो 60,950 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है। अब ये हमारी इनकम हो गई कितनी, 11,66,562 रुपये, ठीक है। अब ये, अब इसके बाद आपको कहां पर जाना है, अब आपको जाना है सबसे लास्ट में। अब देखिए आपको जाना है पेज नंबर 68 पर, आपको कहां पर जाना है, पेज नंबर 68 पर, इसको नोट डाउन कर लें, और लिखा होगा पार्ट बी TI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आपको कहां पर जाना है, आपको जाना है पेज नंबर 68 पर और लिखा होगा पार्ट बी TI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला जो शेड्यूल हमने चेक किया है वो वाली इनकम यहाँ पर हमारी शो हो जाएगी। यदि हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यदि यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारी जो शेड्यूल BP की जो टोटल है वो सिर्फ आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से ये पता नहीं चलने का है क्या, तो हमारे कौन कौन से डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं ये हमें पता नहीं चलेगा, या हमने सेपरेट कंसिडरेशन है वो कितना किया है वो हमारा पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें शेड्यूल BP को सबसे पहले चेक करना है, चेक करने के बाद फिर आना है पार्ट बी TI पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर, ठीक है। आ जाएंगे, अब इसको हमें रीचेक कर लेना है, अब ये हमारा बिल्कुल मैच है। अब नीचे आएंगे, अब यदि इनकम है कैपिटल गेन से तो यहाँ पर आ जाएगी, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये हमारा 60,950 रुपये ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैच है। अब देखते हैं लॉसेस, क्या हमारे लॉसेस भी हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस टू बी सेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हुए 6,79,050 रुपये के 689,050 के लॉसेस हैं जो कि हमें एडजस्ट करने हैं। ये हमने यहाँ पर लेस करके दिखा दिए हैं, तो डिडक्शन हमारी कोई भी नहीं है जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 4,77,510 रुपये, ठीक है। तो एक बार हम ITR फॉर्म में से चेक कर लेते हैं, 4,77,510 रुपये ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा मैच है। अब एक बार हम टैक्स को भी चेक कर लेते हैं, टैक्स भी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब जैसे कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 1,43,253 रुपये, ठीक है, तो 1,43,253 रुपये ये हमारा बिल्कुल मैच है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, तो हमने 4,77,510 रुपये जो इनकम है इसका 30% निकाला था, वो है हमारा 1,43,253 रुपये, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हैं 4,77,510 रुपये का 30% निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, नीचे आएंगे 5,730 रुपये बिल्कुल मैच है। अब टोटल हमारा कितना हो गया, 1,48,983 रुपये 1,48,983 रुपये बिल्कुल मैच है। मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसी मैंने आपके सामने ITR कंपटीशन तैयार की थी वही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट, अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने वो अज्यूम करके डाला था, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना इंटरेस्ट है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब ये हमारा इंटरेस्ट, अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है सेक्शन 234B का और सेक्शन 234C का, यानी कि दोनों का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर इक्वल दबाएंगे और यहाँ पर 8225 जो भी इंटरेस्ट होगा और ये वाला 5930 एंटर। अब ये कितना हो गया हमारा इंटरेस्ट, 14,155 रुपये, कितना 14,155 रुपये। अब टोटल कितना हो गया, 1,63,138, तो 1,63,138 बिल्कुल मैच है। अब नीचे आएंगे, अब ये टैक्स पेड वाला हमारा, अब ये होता है हमारा टैक्स पेड वाला कॉलम। अब इसमें क्या होता है, हमारा एडवांस टैक्स जमा कराया है
तो यहाँ पर आ जाता है, टीडीएस है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, टीसीएस है तो यहाँ पर आएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो हम जमा करा देते हैं टैक्स को, तो वो हमारा यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा एडवांस टैक्स इसमें नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एडवांस टैक्स यहाँ पर नहीं है। टीडीएस है 31,430 रुपये हमने डाल दिया, 31,430 रुपये। अब टैक्स पेड हमारा कितना हो गया, टैक्स पेड हो गया हमारा हो गया 1,31,710 रुपये, कितना 1,31,710 रुपये। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिफंड, तो रिफंड तो हमारा बनना नहीं है क्योंकि हमने टैक्स जमा कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A। अब ये हमारी आईटीआर कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ करने के लिए आपको ये यहाँ से सिलेक्ट करना है, नीचे तक आना है और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। अब हम प्रिंट सिलेक्शन को ये वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसे यहाँ पर पोर्ट्रेट रखेंगे, क्या पोर्ट्रेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लैंडस्केप में नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको जहां पर भी सेव करना चाहें ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अब आप इसको जहां भी सेव करना चाहें आप कर सकते हैं।